इसकी ना आज मैं अकल ठिकाने लगाती हूँ। संगीता यार तुम उसे कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। नमस्ते दीदी। जब तुझे काम नहीं करना होता ना तो सीधा सीधा बता दिया कर, तेरे चक्कर में ना मुझे घर में बातें सुननी पड़ जाती हैं। सॉरी दीदी, हमारा बेटा का ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था कल रात से, इसलिए हम भागे भागे आए हैं। साहब बहाने तैयार रहते हैं ना तेरे। तू एक बात बता, मैं तेरे भैया को क्या दूं नाश्ते में? बोला था मैंने तुझे आज जल्दी आ जाइए, उन्हें जल्दी निकलना ऑफिस के लिए। हम बस जल्दी सब जाके बना देते हैं ना। हाँ तो महारानी जी आप बाहर क्या कर रही हैं खड़े होके, अंदर जाइए। नमस्ते भैया। सॉरी हाँ हमको थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हम जल्दी जल्दी आपका नाश्ता बना देते हैं। अरे नहीं 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 मालती, रहने दो, मैं ऑफिस जाके नाश्ता कर लूंगा। अरे क्यों ऑफिस जाके नाश्ता करोगे, बाहर पता नहीं कैसा खाना बनता है। मालती तू किचन में जा नाश्ता बना दे, और हाँ सिंक में बर्तन पड़े हैं पहले उनको धो लियो फिर बनाइयो। जा। जैसे संगीता क्या जरूरत है इतने बर्तन गंदे करने की, और किचन में रात को इतने बर्तन गंदे करती क्यों हो तुम? अपना इसको ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, मुझे पता है अच्छे से काम वाली, उसे काम कैसे निकलवाना होता है। मालती जल्दी जल्दी हाथ चला, लेट हो रहा है इनको। दीदी आपका भी नाश्ता लगा दें? तू मेरी छोड़, तू जाके पहले कन्नू को तैयार कर। ठीक है। अरे सुनो सुनो सुनो, बेटा कैसे है तुम्हारा? भैया उसको तो रात से बहुत तेज बुखार है। अरे इसने कुछ खिलाया होगा उल्टा सीधा उसको, इनके तो वैसे भी खाना खुला मिलता है। अरे नहीं दीदी, हम उसको बाहर का खाना खाने नहीं देते हैं, वो तो बस कल खाना जब खा रहा था ना तो उसके बाद हम उसको बस केक खिला देते जो आप दिए थे। सुना सुना तुमने, तू कहना क्या चाहती है कि मैंने जो केक तेरे बेटे के लिए भेजा उससे तेरा बेटा बीमार हो गया? नहीं दीदी हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप गलत समझ रही हैं। संगीता एक मालती तुम जाओ कन्नू को तैयार करो। हाँ बहुत तरफदारी कर रहे थे ना इसकी, देखा कैसी कैसी ऐसी जुबान चलती है इसकी। बोल रही है कि मैंने जो इसके बेटे के लिए केक भेजा उससे इसका बेटा बीमार हो गया। उसने ऐसा नहीं बोला है संगीता, और अगर वो ऐसा बोलती भी तो क्या गलत बोलती। तुमने उसके बेटे को जो केक खाने के लिए दिया था, जानती है वो घर पर कब आया था? 12 दिन पहले, जिसे तुम फ्रिज में रखकर भूल गई थी। और कन्नू ने जब वही केक खाने की जिद करी तो तुमने उसे ये कहकर मना कर दिया कि केक पुराना है। तो तुम वही केक उसके बेटे को खाने के लिए कैसे दे सकते हो? वो बच्चा नहीं है क्या? उसकी तबीयत खराब होने की जिम्मेदार तुम हो संगीता। इंसान को इंसान समझो। और ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बहुत से घरों की यही प्रॉब्लम है। खाना बासी हो गया तो कामवाली को दे दो, फ्रिज में कोई चीज पड़ी सड़ रही है तो कुछ नहीं कामवाली को दे देते हैं। मालती हमारी मेड है संगीता, कोई भिखारन नहीं है जो तुम्हारे टुकड़ों पर जिएगी। वो भी अपने बच्चे को गोद में लेकर जाकर सड़क पर भीख मांग सकती है, लेकिन नहीं, उसका अपना आत्मसम्मान है। वो मेहनत करके अपना घर चलाती है। उसका पति उसे छोड़कर चला गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। तुम्हें तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, और अगर उम्र के हिसाब से भी देखें तो तुम और मालती एक ही उम्र के हो गए। सिर्फ इस बात पर तुम्हें उसे कोसने का मौका नहीं मिल जाता कि तुम्हारा पति एक अच्छी नौकरी करता है और उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है। वो हमारे यहां काम करती है, जैसे मैं किसी के यहां एम्प्लॉई हूं वैसी वो हमारे यहां एम्प्लॉई है। जिंदगी में तरक्की करने आगे बढ़ने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता संगीता कि हमें अपने से कम हैसियत वाले लोगों की बेइज्जती करने का अधिकार मिल जाए। इंसान को इंसान समझो संगीता। पता नहीं कौन अपने कैसे समय में जीकर आपकी जिंदगी को आसान कर रहा है, इसलिए लोगों की दुआएं लो, हाय नहीं मददगार बनो, गुनहगार नहीं। दीदी कन्नू बाबा को बुखार हो गया, आज स्कूल मत भेजिए। अरे चिंता करने का कोई बात नहीं, हम कन्नू बाबा को बुखार वाला सिरप पिला दिए, बाबा सो रहे हैं अभी। लेकिन कल रात तक तो ठीक था कन्नू, बुखार कैसे हो गया उसे? वो भैया दीदी से छिप कर कन्नू बाबा ने केक खा लिया था, इसलिए। डांटिएगा मत, हम बोल दिए हैं कि आपको नहीं बताएंगे। दीदी हम उसको समझा दिए हैं कि माथा पर पानी का पट्टी डालना है, तो
कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, और उसको तो ऐसे भी बहाना चाहिए कि मम्मी साथ में रहे, है ना। हम सोच रहे जाके झाड़ू पोछा कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको जो कपड़ा भिजवाना है वो निकाल के रख लीजिएगा। जो ढोते हैं कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ, कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से उनके पैर न जख्मी हों।